module 34, psychological management, cognitive behavior therapy. so when we talk about the psychological management, we discuss the cognitive behavior therapy. Uh, cognitive behavior therapy basically focuses upon how the person can change the thinking pattern uh, so uh, his or her life become more comfortable. Uh, they focuses more upon the uh, problem-solving techniques. इसको आप बहुत आसान अंदाज में यूँ समझ सकते हो कि देर आर सर्टन थाट्स विच आर अनहेल्पफुल एंड एंड द कोग्नेटिव बिहेवियर थेरापिस्ट बेसिकली ट्राइंग टू अल्टर दोज अनहेल्पफुल थाट्स इन टू द हेल्पफुल पैटर्न दे वर डिस्कसिंग दोज अनहेल्पफुल थाट एज अ ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट पैटर्न वट दे सेट के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ब्रेन के अंदर अंडर सरकम सर्टन सर्कमस्टांसिस डिफरेंट टाइप के जो थाट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं विच कैन बी नेगेटिव और चूंकि वो नेगेटिव थाट प्रोसेस होता है इसलिए वो डिस्टर्ब uh, करता है किसी भी शख्स के बिहेवियर पैटर्न को और जिसकी वजह से उसका जो डिस्टर्ब बिहेवियर पैटर्न होता है वो एग्जिबिट होता है तो वट दे आर फोकसिंग अपॉन कि अगर आप अपना थिंकिंग पैटर्न जो है उसको चेंज करते हैं इन टू मोर हेल्पफुल थाट प्रोसेस और मोर पॉजिटिव और मोर हेल्पफुल थिंग्स तो उसके वजह से आपकी जो लाइफ है और जो प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हैं वो चेंज uh, हो सकते हैं तो दे आर बेसिकली फोकसिंग फोकसिंग मोर अपॉन द सल्यूशन सोलूशन तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में भी समाइम uh, बच्चों की हेल्प करती है जब कॉगनेटिव बिहेवियर थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए थॉट पैटर्न को रिकॉर्ड कैसे किया जाए अब थॉट पैटर्न को रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है इसलिए ज़रूरी है कि अगर थॉट पैटर्न को रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा तो उसको चेंज कैसे किया जाएगा किस तरह बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि उसने इस थॉट पैटर्न को चेंज करना है अब जो थॉट पैटर्न है उससे एसोसिएटेड फीलिंग्स भी होती हैं क्योंकि जब बच्चा आएगा वो आपको मोस्टली ये रिपोर्ट करता है कि मैं डिप्रेस होता हूँ द चाइल्ड और द पेरेंट्स मोस्टली रिपोर्ट फर्स्ट फीलिंग्स तो उसके बाद आपको उनकी जो थाट पैटर्न है उसको डेग आउट करना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल uh, एक बच्चा है उसका इवेंट ये है कि वो एक एग्ज़ाम के अंदर फेल हुआ है अब उस एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल होने की वजह से उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और उसका नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या चल रहा है कि आई एम सो सुपर आई कॉन्ट डू एनी राइट अब ये जो थाट है ये वो बच्चा जब तक आपको नहीं बताएगा तब तक आप इसको नहीं जान सकते तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो फीलिंग्स हैं उस इवेंट से रिलेटेड और जो थॉट है उस इवेंट से रिलेटेड उसको रिकॉर्ड किया जाए जिस वक़्त आप उसको इस किस्म का चार्ट देंगे कि आपने इवेंट रिकॉर्ड करना है फीलिंग रिकॉर्ड करनी है नेगेटिव थॉट रिकॉर्ड करना है तो दिस विल हेल्प अस कि हम बच्चे को गाइड कर सकेंगे कि उसने इन थॉट पैटर्न्स को चेंज कैसे करना है इसके अंदर आप डेट भी डाल सकते हैं टाइम भी डाल सकते हैं इस थॉट की इंटेंसिटी या फीलिंग की इंटेंसिटी को भी मैयर कर सकते हैं यानी वन का मतलब है कि जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कम थी और हंड्रेड का मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा थी तो आप वो चीज़ भी इसके साथ मॉनिटर कर सकते हैं आप इस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि दिन में कितनी दफ़ा उसको ये थॉट आया यानी फ्रीक्वेंसी एक दिन में एक दफ़ा आया दो दफ़ा आया या दस दफ़ा आया इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि वट थिंग्स डू यू रियली वॉन्ट टू बी टेकन जब आपके पास ये थाट पैटर्न या ये रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर आपने थाट्स को चैलेंज करना होता है यानी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं बच्चे के उनको आपने चैलेंज करना है अब आपने चैलेंज करना कैसे है वो प्रोसीजर क्या है जो आपने बच्चे के साथ करना है यू विल आस्क द चाइल्ड के इज़ दिस थॉट हेल्पफुल क्या ये सोच उस बच्चे के लिए मददगार है तो एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज सेड दैट दिस थॉट इज़ नॉट हेल्पफुल इट डज नॉट मेक मी फील गुड एंड इट इज़ नॉट ट्रू तो ये जब वो आपको एक्सप्लेन करेगा तो दिस विल हेल्प द चाइल्ड टू चेंज हिज और हर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग थाट पैटर्न ठीक है इसी तरह एक और तरीका जो है वो चैलेंज करने का उसके थाट को क्या है कि आर माई थाट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स और आर दे जस्ट माई ओपिनियन तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को ऐसे ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यू नीड टू बी डेवलप दैट थिंग ताकि उनको ये आइडिया हो सके कि वो जो चीज़ सोच रहे हैं वो एज़ इट इज़ नहीं है बल्कि उसका कोई और फैक्टर भी है कोई और चीज़ें भी हैं विच दे नीड टू बी ऑब्जर्व सो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन चैलेंज देयर थाट्स फिर आपको इस चीज़ को मैं एक सिचुएशन के थ्रू uh, समझाने की कोशिश करती हूँ कि मिसाल के तौर पर uh, जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन लिखी हुई है कि यू हैव हैड अ बैड डे फील फैड अप सो गो आउट शॉपिंग as you वॉक डाउन the रोड someone you यू नो वॉक्स बाय एंड अपरेंटली इग्नोर्स यू दिस a अ of ऑफ अब कास्केट ऑफ क्या है कि आपके थॉट्स आना शुरू हो गए कि शी और ही मस्ट बी इग्नोरिंग मी बिकॉज ही और शी डज नॉट लाइक मी उससे आपके इमोशनल फीलिंग कैसे डेवलप हो गई लो सैड एंड रिजेक्टेड फिजिकल सिम्टम्स में हो सकता है कि स्टमक रैम्प आ जाए लो एनर्जी लेवल आ जाए फील सेक्नेस शुरू हो जाए एक्शन क्या हो कि आप घर चले जाएं और यू विल अवॉइड एवरी तो ये तो वो अनहेल्पफुल थाट प्रोसीजर हैं जो कि एक शख्स के सिर्फ इग्नोर करने से डेवलप होना शुरू हो गए अब हेल्पफुल थाट क्या हो सकता है कि अगर आप ये चाहते हो कि एक शख्स इस तरह ना सोचे तो हेल्पफुल थाट क्या होगा कि माइट बी दो जो दूसरा शख्स था जिसने आपको इग्नोर किया है उसको कोई काम हो और इस वजह से वो आपको अटेंड ना कर सके और उसकी वजह से इमोशनल फीलिंग्स आपकी कैसी आएंगी पॉजिटिव होंगी बिकॉज़ यू आर कंसर्न अबाउट द अदर पर्सन फिजिकल कंप्लेन डेफिनेटली सिचुएशन में नहीं आएंगी और एक्शन क्या होगा कि बजाय इसके कि आप घर जाके बिल्कुल अलूफ हो जाओ यू विल ट्राई टू गेट इन टच विद दैट पर्सन तो उसकी मदद से हेल्प मिलेगी uh, आपको ये जानने में कि दूसरे शख्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था तो इस तरह जो अनहेल्पफुल थाट्स हैं उनको हेल्पफुल थाट्स में चेंज किया जाता है तो दिस इज़ द प्रोसीजर जो कि हमें बच्चों को आमतौर पर सिखाना पड़ता है ताकि जो उनके अनहेल्पफुल थॉट्स थाट्स हैं वो उनको डिस्टर्ब ना करें और दे विल अल्टर दैम विद द हेल्पफुल थाट्स थैंक यू